5 जुलाई 2021 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की रिट पिटीशन पर एक ऐसा इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसका असर यह है कि जो बुनियादी अधिकार बच्चों का है शिक्षा का, वही उससे चला जाता है। क्या ऑर्डर पास किया है, मैं आपको उसके दो पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ। उसमें है कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पेटिशनर इंटर आलिया सबमिट्स दैट ऑर्डर डेटेड 10/3/2021 डायरेक्टिंग द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एक्सेट्रा टू मेक एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स विदाउट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज कॉन्ट्रेरी टू रूल 136(5) एंड 139(1) ऑफ हरियाणा एजुकेशन रूल्स 2003। No recognized school can admit a student from another recognized school without school leaving certificate. As a result, the private unrecognized schools are suffering financially. और फिर लास्ट में उन्होंने जो है लिखा, Meanwhile, operation of communication dated 10/3/2021 shall remain state. और उसमें 28 अक्टूबर 2021 की हियरिंग की डेट लगाई है। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर इस तरह आया कि जो प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे थे और उसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि हम अपने बच्चों को निकाल कर गवर्नमेंट स्कूलों में डालेंगे। तो हरियाणा सरकार ने ये आदेश पास किया कि हमारे स्कूल जो है वो बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बच्चों को एडमिशन दे देंगे। इस बात को उन्होंने हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने जो है उनको एक इंटरिम ऑर्डर देकर जो है जो हरियाणा गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसके ऊपर रोक लगा दी। तो नतीजा ये हो गया कि जो पेरेंट्स आज की तारीख में आउटस्टैंडिंग फीस पे नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की और अपने बच्चे को वो गवर्नमेंट स्कूल में ले जाना चाहते हैं, तो उनको जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्कूल उसको बगैर पेमेंट के ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो अब हमें ये समझना की जरूरत है कि ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये एक तरीके से बच्चे को पढ़ाई से ही डिप्राइव कर रहा है और उसके जो फंडामेंटल और जो ह्यूमन राइट्स हैं एजुकेशन के, उनको एकदम वायलेट कर रहा है। तो इसमें ये चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए पहले तो इसकी अपील फाइल करें। दूसरा ये कि जो डिवीजन बेंच है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट, इसका सो मोटो नोटिस लेकर इसको जो है ऑर्डर को सेटिस्फाइड करें। इसके कॉन्सिक्वेंसिस जो है वो बड़े भयंकर है। आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि वो बच्चा जो है वो एडमिशन ही ले पाएगा तो क्या करेगा, वो प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा नहीं सकता, गवर्नमेंट स्कूल में वो एडमिशन नहीं सकता, तो क्या करेगा, चाइल्ड लेबर बनेगा वो है? क्या हाई कोर्ट या हमारा देश ये चाहता है कि बच्चे पढ़े नहीं और चाइल्ड लेबर बने? अभी आप देखिए कि ये कई किसी भी एंगल से इस ऑर्डर को हम देखते हैं तो ये ऑर्डर जो है एक तरीके से कानूनी पहलू के ऊपर भी, नजरिए से और सामाजिक नजरिए से भी ये गलत है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ देता है। राइट टू लाइफ का मतलब होता है डिग्निफाइड लाइफ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना एजुकेशन के कोई व्यक्ति डिग्निफाइड लाइफ लीड नहीं कर सकता। दूसरा ये कि आर्टिकल 21A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहता है कि एवरी चाइल्ड जो है 6 to 14 years का, उसका राइट है कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। एक और आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 51A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है और उस ड्यूटीज के अंदर पेरेंट की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देगा, 6 से 14 साल के बच्चे को। अब अगर मैं पेरेंट हूं और मैं अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं पढ़ाने के लिए और ऐसी स्थिति में जहां
प्राइवेट स्कूल जो है वो मुझको टीसी नहीं दे रहा क्योंकि मैं उसके पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं तो उसको गवर्नमेंट में गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला नहीं करा पा सकता। इसका मतलब जो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर क्लियरली लिखा है, ये क्लियरली लिखा है एक सेक्शन के अंदर कि सेक्शन 5 के अंदर कि अगर एक बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो वहां का जो हेडमास्टर है वो उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट करेगा। साथ में वो ये भी कहता है, वो ये कहता है प्रोवाइडेड द डिले इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट शैल नॉट बी ए ग्राउंड फॉर आइदर डिले इन और डिनाइंग एडमिशन इन सच अदर स्कूल प्रोवाइडेड फर्दर दैट द हेड टीचर और इन चार्ज ऑफ द स्कूल डिलेइंग इश्यूएंस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट शैल बी लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू हिम और हर। तो इसका मतलब यह है कि उसका एडमिशन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है नहीं मिला है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट रोक ही नहीं सकता है ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्कूल फी है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है मनी के वाइस तो वो कोर्ट में जा सकता है, रिकवरी सूट कर सकता है, लेकिन बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं रोक सकता है। तो ये जो ऑर्डर है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, ये मतलब एक तरीके से ये कह रहा है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, ये कैसे हो सकता है? बच्चे का तो बुनियादी अधिकार है शिक्षा का, और राइट टू एजुकेशन क्योंकि फंडामेंटल राइट है और सरकार की ये जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हर एक बच्चे को वो स्कूल में लाएगा। और वो जब स्कूल में लाएगा तो कोई ये थोड़ी है कि जरूरी कागजों को देख के स्कूल में लाएगा, वो तो ये देखेगा कि ये बच्चा स्कूल से बाहर है इसको मुझे स्कूल में लाना है। तो इसलिए इसको अगर हम प्राइवेट स्कूल के चश्मे से देखते हैं इस ऑर्डर को तो ठीक है, कोर्ट ने कहा है फाइनेंशियली लॉस है, लेकिन अगर देश के चश्मे से देखते हैं, अगर बच्चे के अधिकारों के चश्मे से देखते हैं, सामाजिक डेवलपमेंट के एंगल से देखते हैं तो ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि हमारे पेरेंट्स जो है वो भी इसका विरोध करें लार्ज स्केल, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट इसको जो है अपील में ले जाए जिससे कि ये ऑर्डर खत्म हो, नहीं तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आना चाहते हैं और जिनके पास कोई कागज नहीं है, जिनके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है और प्राइवेट स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट देगा नहीं, वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्या हम देश के अंदर जो है बच्चों को चाइल्ड लेबर बनाना चाहते हैं? ये सवाल है जिसका मुझे लगता है हमें सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए। थैंक यू।